धनश्री गायकवाड़ ने लिखा है, विधायक स्मृति पर कुछ प्रकाश डालें, बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत अच्छा धनश्री, तुमने बहुत ही प्रिसाइज प्रश्न पूछा है। तुम्हारे पास बहुत प्रश्न है मैं जानता हूँ, और बहुत लंबे लंबे प्रश्न है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये कुशलता जो अभी तुमने दिखाई है ये स्वागत योग्य है, प्रशंसनीय है कि तुमने कम शब्दों में सारी बात पूछ ली है। तुम्हारा कन्फ्यूजन यही है, तुमने निर्वाण के 9 सोपान पुस्तक मेरी पढ़ी है, 9 स्टेप्स टू निर्वाणा, उसी में ये टर्म आया है विधायक स्मृति, पॉजिटिव मेमोरी। तो विधायक स्मृति को समझने की ज़रूरत है। जब मैंने उसको कहा विधायक यानी कि पॉजिटिव, सकारात्मक, फोर्स्ड नहीं मैंने कहा है, और 9 स्टेप की जब बात मैंने कही है तो उसको देखें, वो स्टेप है, वो कदम है, आप धीरे धीरे उन पर आगे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे चलने के लिए क्या है कि आगे हम जब सूत्र लेकर आते हैं 9 स्टेप्स टू निर्वाणा में, समग्र स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस यानी समग्र स्वीकार में आप जाएं, उसके पहले आपको विधायक स्मृति से गुजर जाना बेहतर है। व्यक्ति कुछ और नहीं है स्मृतियों के सिवा, बंडल ऑफ मेमोरी है। व्यक्ति केवल स्मृतियों का एक संग्रह है, बंडल है मेमोरी का, जो उसके भीतर एक प्रोग्रामिंग की तरह, एक कंडीशनिंग की तरह बन जाता है। अब स्मृतियां जब हमारे पास रिकॉर्डेड मटेरियल की तरह, यानी कि वो रिकॉर्ड हो गई हैं, वो हमारे भीतर का एक प्रोग्राम भी बन गई हैं, कंडीशनिंग भी बन गई हैं, तो हम करें क्या? हमारे पास क्या उस समय कोई विकल्प है या कोई विकल्प नहीं है? स्मृतियां अच्छी भी हैं, स्मृतियां बुरी भी हैं। तो इंसान की आदत क्या होती है कि वो बुरी चीज़ों की तरफ हमेशा भागता है, खराब चीज़ों की तरफ भागता है। जैसे तुम्हें कोई अच्छा इंसान भी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तुम उसमें से एक दो बुराई निकाल कर उस ढूंढने की कोशिश करोगे। तमाम लोगों का देखिए यही व्यापार है, उनका यही शगल है, पूरा समाज इसी से विषाक्त है। इंसान अच्छा भला है, उसमें 97 अच्छाइयाँ हैं, 97 तुम 3 बुराइयां निकाल लाते हो और उन्हीं की चर्चा करते हो, देखो ऐसा है, देखो वैसा है। ऐसा कम होता है कि कोई व्यक्ति जिसमें 97 बुराइयां हो उसमें से तुम 3 अच्छाइयां निकाल कर उनकी चर्चा करो, ऐसा कम होता है, मजा नहीं आता ना। इसी को कहते हैं निंदा रस। कभी कभी लोग बोर हो रहे हो तो उनसे कोई बात करने के लिए कहो तो अगर अच्छी अच्छी बातें करें, मजा नहीं आता। आजकल भी देखो, राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, घर परिवार हो, हम ढूंढ ढूंढ कर खराब चीज़ें लाते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कहीं सब कुछ खराब होता है, वहीं कुछ अच्छा भी होता है। अब लोग कहेंगे कि बुरा हम देखेंगे नहीं, बुरे की चर्चा नहीं करेंगे तो बुरे को सुधारेंगे कैसे? आप हमको बताइए कितने लोगों ने सुधार लिया? चर्चा तो बुरे की ही होती है, निंदा ही निंदा चारों तरफ होती है, लेकिन कोई सुधरा, कोई सुधरता हुआ दिखता है? इसलिए नहीं सुधरता हुआ दिखता है क्योंकि ये रस है, ये रस है नकारात्मक में, निगेटिव में जाने का। उस रस से पहले हम हटेंगे, उस आदत को बदलेंगे। देखिए, बुराई वो व्यक्ति देखे जो टेक्नीशियन हो, तकनीक वाला व्यक्ति हो, कुशल हो, जैसे चिकित्सक हो, वकील हो, गुरु हो, वो देखे तो वो सुधार करेगा। हम क्या करेंगे बुराई देखकर? लोग अक्सर अपने भीतर भी बुरी बुरी चीजें देखने की कोशिश करते हैं तो उसका अंत क्या होता है, वो डिप्रेशन के शिकार और हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि छलांग लेने के लिए बेहतर होता है कि हम पहले विधायक पर आए, पॉजिटिव पर आए। निगेटिव से छलांग लेना बहुत मुश्किल है। च्वाइसलेस में हम जाएं, इसके पहले हमको बहुत क्लियर च्वाइसेस में जाना पड़ता है,
ये ध्यान रखें। और नेगेटिव च्वाइसेस से कोई च्वाइसलेस में नहीं जाता, पहले नेगेटिव च्वाइसेस को ट्रांसेंड करके यानी कि नकारात्मक स्मृतियों का अतिक्रमण करके हमको विधायक स्मृतियों में आना पड़ेगा। और जब विधायक स्मृतियों पर खड़े होंगे तो बड़ी सहजता से हम दोनों से छलांग लेकर फिर समग्र स्वीकार की तरफ जाएंगे, वो एक टोटल फिनोमेना होगा। लेकिन अगर सोचिए कि नेगेटिव से ही सीधे छलांग ले लेंगे तो बहुत कठिन होगा। कोई ले सकता है, असंभव देखिए नहीं है, लेकिन बहुत बहुत कठिन है। बेहतर होगा, सरल होगा, पहले विधायक की तरफ आए। तो इस पर मेरा सुझाव ये था, जब मैं उन सूत्रों पर बोल रहा था तब भी मैंने यही कहा था कि पहले अपनी स्मृतियों का जो भी डेटा है उसको देखें, और एक काम तो ये करें, स्मृतियों के डेटा से थोड़ा डिटैच होना सीखें। वो महज स्मृतियां हैं, तुमने किया, किसी ने किया, इस तरह से उसको देखेंगे तो उलझाव बहुत बना रहेगा, उसमें ना जाएं। स्मृतियों के डेटा को पहले थोड़ा सा दूर हटकर देखें और फिर उसमें से अच्छी वाली चीज़ें चुनें, विधायक वाली चुनें। जब चुनने का ही तुम्हारे पास विकल्प है तो उसको चुनें। जैसे तुम अपने घर में आए तो तुम्हारे घर में अगर तुम बहुत दिन बाद प्रवेश करो तो कूड़ा करकट है, जाले लग गए हैं, तुम्हारा अच्छा सामान भी है, तुम्हारा अच्छा फर्नीचर है, सब है, तो तुम झाड़ पोछ कर पहले कूड़ा करकट अलग करोगे, जाले हटाओगे और अपने अच्छे सामान को, अपने अच्छे फर्नीचर को, अच्छी चीज़ों को व्यवस्थित कर दोगे। तो विधायक स्मृतियों में भी यही काम करना है, एक झाड़ू लगाना है अपनी नकारात्मक स्मृतियों पर, वो चीज़ें जो तुमको व्यथित कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनको डिटैच होकर देखना है। उसमें झाड़ू ऐसे ही लगेगी, वो घर जैसा तो है नहीं, झाड़ू उठाई लगा दी, डिटैच होकर देखा और फोकस को शिफ्ट कर लिया। हमने देखा कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उन पर हम ध्यान दें, फिर अच्छी बातों को हमने देखा। ये पॉजिटिव थिंकिंग टाइप का मामला नहीं है, ये बहुत ही प्ले है, कॉन्शियस प्ले है। हम स्मृतियों से भरे हुए हैं, जैसे अपनी माता पिता की स्मृतियों में हम जाएं, बचपन की स्मृतियों में जाएं, अपने प्रियजनों की स्मृतियों में जाएं, तो तुमको तमाम सुखद, तमाम दुखद, तमाम पॉजिटिव, तमाम निगेटिव मिलेंगे। आज के वक्त में सब बह चुका है, सब चीज़ें आगे जा चुकी हैं, निगेटिव भी जा चुका, पॉजिटिव भी जा चुका। तुम अगर एक चीज़ पकड़ते हो तो तुम आज व्यथित हो सकते हो, तो बेहतर है कि तुम पॉजिटिव पकड़ो, सकारात्मक पकड़ो, वो अच्छा रहेगा, वो शुभ रहेगा। और एक बार जब तुम विधायक स्मृति को देखना प्रारंभ करोगे, उस पर अपने फोकस को ले जाने की आदत डाल लोगे, ये केवल आदत है, महज आदत है, ये ध्यान रखें, तो एक दिन तुमको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये तो केवल एक डेटा बैंक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका कोई मूल्य नहीं है, ना नेगेटिव में उलझना है ना पॉजिटिव में उलझना है, इस क्षण में जो है वो मूल्यवान है, ये क्षण ही शाश्वत है, ये क्षण ही बेशकीमती है। तब तुम समग्र स्वीकार की तरफ चले जाओगे, टोटल एक्सेप्टेंस की तरफ, च्वाइस से तुम च्वाइसलेस की तरफ चले जाओगे। तो बैड च्वाइसेस से कोई च्वाइसलेस की तरफ मुश्किल से जा पड़ता है, लेकिन गुड च्वाइसेस से, जीवन में अशुभ से शुभ का चुनाव करें, फिर शुभ और अशुभ दोनों से पार हो जाएं, दोनों से हट जाएं, क्योंकि दोनों जीवन की स्थितियां हैं, ऐसे ही स्मृतियां हैं जिनसे मनुष्य बना है, हम सब बने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए उस पुस्तक में हमने स्टेप्स का जिक्र किया है। तो उनको स्टेप्स में समझें कि पहले ऐसा, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से भी आगे अतिक्रमण करके और टोटल एक्सेप्टेंस में। मैं समझता हूँ बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो फिर आगे उसको एक्सप्लोर करना, उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। Thank you.